गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4, लेक्चर 6, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 6। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट का निशान 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन होता है हर का परिमेयकरण, तो इक्वल टू का निशान लगाएंगे, स्क्वायर रूट का निशान, अब ये एज इट इज लिखी जाएगी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अब जो डिनोमिनेटर में संख्या है उसका केवल निशान चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, क्यों यहाँ 1 माइनस साइन ए था, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, अपॉन यहाँ भी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब न्यूमिरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू का निशान, अब न्यूमिरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स एक जैसे हैं, तो क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर अपॉन इसमें 1 माइनस साइन ए, इसमें 1 प्लस साइन ए है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, तो इक्वल टू स्क्वेयर रूट का निशान। अब ये तो एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर ए के इक्वल होता है। 8 के चैप्टर की जो स्टार्टिंग की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने सारी आइडेंटिटीज समझा दी थी, वैसे भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे भाई, स्क्वेयर रूट जो है ना, स्क्वेयर रूट ये स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा आपके पास न्यूमिरेटर में 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इसका स्क्वेयर था ना, ये स्क्वेयर कट जाएगा इससे, अपॉन ये कोस स्क्वेयर था तो ये कोस ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन कोस ए लिखेंगे प्लस का निशान, साइन ए अपॉन कोस ए लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर को दोनों पदों के नीचे लिख देंगे हम, फिर 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है, ये होता है सेक ए के, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है, टेन ए के, तो क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए, और यही आपको प्रूव करना था राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट, जो एग्जाम की दृष्टि से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू हमें टेन थीटा प्रूव करना है, तो इसकी भी लेफ्ट साइड लेंगे। अब लेफ्ट साइड आपके पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब न्यूमिरेटर में साइन थीटा कॉमन है, डिनोमिनेटर में कोस थीटा कॉमन है, तो क्या करेंगे, न्यूमिरेटर में आपने साइन कॉमन लिया तो इनटू यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा था, तो क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा अपॉन, इसमें कोस थीटा कॉमन लेंगे तो कोस थीटा इंटू यहाँ क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वेयर थीटा और माइनस 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, साइन थीटा, अब यहाँ स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएंगे, ये 1 माइनस का निशान, ये 2 एज इट इज, अब साइन स्क्वेयर थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा और ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, अपॉन कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ये एज इट इज लिख देंगे। अब इसका ब्रैकेट खोल लेंगे आप, अब इसका ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है अंदर वालों को, तो माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2, माइनस 2 को माइनस कोस स्क्वेयर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2 कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, अपॉन कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ये एज इट इज लिखा जाएगा। आगे क्या करेंगे भाई, साइन थीटा इंटू, अब ये 2 कोस स्क्वेयर थीटा पहले लिख लेंगे, 1 प्लस का है
टू माइनस का है, किसके ज़्यादा है माइनस के, कितने ज़्यादा हैं वन, तो ये माइनस का वन लिखा, अपॉन ये कोस थीटा इंटू टू कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, ये एज इट इज आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचेगा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है भाई, ये टेन थीटा के इक्वल होता है, और यही आपको प्रूव करना था राइट साइड में। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।